बिग बैश खेल के आए, इसी तरह मोइन अली है, ये दो टीमें हैं जो पिछले कितने अर्से से नहीं आ रही हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स का या एमसीसी के आने से आप समझते हैं कि ये जो एक उन दोनों का बैरियर है वो टूटेगा मुल्कों का? आई थिंक ये जो जब ये प्लेयर्स वापस जाएंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा मैसेज ही लेके जाएंगे। आपने श्रीलंका को देखा कि श्रीलंका बहुत अच्छा अपने वर्डिक्स जो देखे गई वो बहुत अच्छे वर्ड्स देखे गई है, तो आई थिंक ये अगर 3-4 साल में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2 साल में अगर क्रिकेट रेगुलर होती है और 2-4 टीमें और बड़ी टीमें आती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें क्यों नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप का या चैम्पियंस ट्रॉफी या जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं। 34 मैचेस हो रहे हैं, किस तरह आप ये भी जो टीम आगे अपने दो वर्ल्ड कप पर नीचे आएंगे तो ये वाला खासा अच्छा रहेगा आपको? देखिए इससे खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि यू नो क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही है, एंड आई थिंक श्रीलंका का टूर, बांग्लादेश का टूर और अब ये PSL अगर इंशाल्लाह पूरा होता है तो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया में, और इंशाल्लाह आगे बाकी भी टीमें आने शुरू होंगी, क्रिकेट वापस आएगी, तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती ना। हाँ जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स जब आप होम में खेलेंगे तो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके यंग अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, वो ब्लॉसम करेंगे, अपनी क्राउड के सामने खेलेंगे, उनका हौसले बुलंद होंगे, तो आई थिंक इट्स अ प्लस प्लस फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर क्रिकेट आती है पाकिस्तान। किन बॉलरों को देखना चाहोगे मजीद के, उनको भी परफॉर्मेंस देखनी है ताकि बाद में आप उनको बुला सको, आगे इंग्लैंड का टूर भी है, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में? देखिए हमारे पास टाइम है, इसके बाद ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब यंगस्टर्स के लिए भी कि यू नो अपना बताएं कि कितने किस पाए के हैं वो, और मेरा ख्याल में ये एक उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए भी ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है, उनको देखेंगे और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 2 महीने हैं जो इंग्लैंड से पहले रमज़ान का महीना है, फिर उसके बाद महीना फिर ऑफ है, तो कोशिश करेंगे कि उनमें सारे बॉलर्स को टेस्ट मज़ीद टेस्ट किया जाए, फिर उनमें देखा जाएगा कौन सा टेस्ट मैच के लिए बेहतर है, कौन सा वन डेज के लिए बेहतर है या T20 के लिए बेहतर है। क्रिकेट किसी इवेंट के लिए तो कैसा देखते हैं आपको, क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए? 3 साल अब से आई थिंक वेरी मच पॉसिबल होना चाहिए। आई थिंक जैसे मैंने कहा ना ये PSL और टीमें और भी आएंगी इंशाल्लाह अगले चंद सालों में, तो आप देखेंगे फ़र्क वाजे नज़र आएगा। मुझे तो खैर PSL जो PSL कह रहे जो श्रीलंका और बांग्लादेश से अब तक काफ़ी फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है कि यू नो वाइब जो बाहर नज़र आती है, जो आम पब्लिक में जो एक वाइब है, सिक्योरिटी कम कर दी गई है, ईजी हो गए लोग, तो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। इंशाल्लाह बिल्कुल करना चाहिए, बिड करना चाहिए वर्ल्ड कप्स के लिए, क्योंकि हमारा हक है ये।